आईपीएल 2022 में अगर मुंबई ना करती ये काम तो हार्दिक पांड्या को ना मिलता ये बड़ा इनाम। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक त्यागी। जी हाँ, अगर आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले अगर मुंबई इंडियंस ये बड़ा काम ना करती तो हार्दिक पांड्या का नाम इतना बड़ा ना होता, हार्दिक पांड्या को ये इनाम इतना बड़ा ना मिलता, हार्दिक पांड्या की लोग तारीफ ना करते, हार्दिक पांड्या को लोग बड़ा ना बताते। जी हाँ, मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ कि मुंबई इंडियंस ने वो कौन सा कदम उठाया जिसके बाद हार्दिक बड़े बन गए, जिसके बाद हार्दिक की तारीफ होने लगी है, जिसके बाद हार्दिक को एक बड़ा इनाम मिलने वाला है। जी हाँ, वो दरअसल बात सारी क्या है कि मुंबई इंडियंस ने जब अपने चार खिलाड़ियों को रिटेन किया था तो उसमें हार्दिक पांड्या का नाम नहीं था। हार्दिक पांड्या का नाम ना होने के बाद हर कोई हैरान था कि मुंबई इंडियंस के इतने पुराने खिलाड़ी, इतने भरोसेमंद खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को क्यों मुंबई ने रिटेन नहीं किया। लेकिन उस वक्त लोग नाराज हो रहे होंगे, लेकिन आज वही लोग खुश हो रहे होंगे, क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को रिटेन कर तो वो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में एज ए खिलाड़ी खेलते, एज ए कैप्टन नहीं खेलती। लेकिन मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को रिटेन ना करके हार्दिक पांड्या के लिए बेहतर काम किया। हार्दिक पांड्या रिटेन नहीं हुए, उन्हें गुजरात की टीम ने खरीदा, गुजरात की टीम ने उन्हें कप्तान बनाया, और कप्तान बनने के बाद जो एक छुपी हुई प्रतिभा, जो एक छुपा हुआ टैलेंट हार्दिक पांड्या के अंदर था बेहतर कप्तानी का, वो निकल कर बाहर आया, उसे दुनिया ने देखा। हार्दिक पांड्या ने अपने उस टैलेंट को दिखाया और कामयाबी पाकर दिखाई। गुजरात की टीम को लगातार मैच जिताए, अपनी कप्तानी के दम पर पहली बार गुजरात को कह सकते हैं कि क्वालिफायर करवाया और बेहतर तरीके से जीत दिलाई। तो हार्दिक पांड्या का जो छुपा हुआ टैलेंट था कप्तानी का, वो गुजरात की टीम में बाहर आया। गुजरात की टीम में जब बाहर आया तो लोगों ने हार्दिक पांड्या की तारीफ की, और अब तारीफ के बाद हार्दिक पांड्या के इस टैलेंट के बाहर आने के बाद उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी मिलने की भी बात होने लगी है। हार्दिक पांड्या अगर टीम इंडिया के कप्तान बनते हैं तो जाहिर तौर पर यह हार्दिक पांड्या के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं होगा। हार्दिक पांड्या के करियर में कभी किसी ने नहीं सोचा था, खुद हार्दिक ने भी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। लेकिन आज हार्दिक टीम इंडिया के कप्तान बनने जा रहे हैं, हार्दिक के लोग कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं, हार्दिक के खेल से ज़्यादा उनकी कप्तानी की तारीफ हो रही है, और ये सब हो रहा है मुंबई इंडियंस के इस कदम के बाद। अगर मुंबई हार्दिक को रिटेन कर लेती तो शायद आज भी हमें हार्दिक एक खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे होते दिखाई देते, हार्दिक एक कप्तान के तौर पर हमें कभी नज़र नहीं आते। लेकिन मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को रिटेन ना करके हार्दिक पांड्या पर बड़ा एहसान किया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के अंदर की जो छुपी हुई ताकत थी, जो छुपा हुआ टैलेंट था, वो बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद दुनिया ने देखा, दुनिया के साथ साथ टीम इंडिया ने देखा, बीसीसीआई ने देखा, और अब हार्दिक पांड्या को इनाम मिलने वाला है, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कप्तान बनने वाले हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कि आपको लगता है वास्तव में कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को रिटेन ना करके हार्दिक के लिए बहुत फायदे वाला काम किया है? आपका जो भी मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।